अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आपको दो DIY फेस पैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप इस विंटर में जरूर यूज करें और अपने स्किन को हाइड्रेट करें। मैं सब किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स ही यूज करूंगी और मैं ये DIY फेस पैक बनाऊंगी। आप ये विंटर्स में यूज करें और अपने स्किन को सॉफ्ट, सपल और हाइड्रेटिंग रखें। पहले हम देखेंगे हमें फेस पैक बनाने के लिए क्या लगेगा। मैं पहले लूंगी बेसन। बेसन एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है और ये टैन एजेंट रहता है, जो आपकी स्किन पर जो भी टैन हो ये सब उससे रिमूव हो जाते हैं, चले जाएंगे। मैं लूंगी 1 टीस्पून बेसन की। हल्दी, हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करती है और ये जो आपके मुंह चेहरे पे जो भी स्पॉट्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, स्केल्स रिड्यूस कर देगा ये। इससे ये बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक का काम करती है। मैं 2 पिंच मैंने हल्दी डाला है इसमें। अभी मैं इसमें डालूंगी हनी। हनी हमारे स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। हनी एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी एक्ने ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत काम आता है। ये मैं डालूंगी 1 टीस्पून। मलाई, मलाई एक एंटी वाइटनिंग का काम के लिए काम करती है और ये हमारे स्किन जो ड्राई हो जाती है विंटर्स में उसे ये अच्छे सॉफ्ट बना देती है। मैं 1 टीस्पून हनी डालूंगी और थोड़ा सा 1 टीस्पून ही मैं दूध डालूंगी। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप वीक में 3 दिन अप्लाई करें, आपकी स्किन में जो भी टैन है, जो भी स्पॉट्स है, स्केल्स रिड्यूस कर देगा एंड वाइटनिंग का भी काम करती है मलाई। तो ये आपकी स्किन के लिए इस विंटर्स में बहुत अच्छा फेस पैक है। अभी मैं दूसरा फेस पैक बना रही हूँ। इसमें हम पहले लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे एक्ने को रिड्यूस करती है और हमारे जो ब्लैक हेड्स रहते हैं चेहरे पे वो रिमूव करती है। ये मैं दूंगी 1 टीस्पून। अभी मैं इसमें लूंगी कॉफी। कॉफी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और ये हमारे नेचुरल स्क्रब का भी काम करती है कॉफी, इसीलिए मैं लूंगी 1/2 टीस्पून कॉफी। अभी मैं लूंगी हनी। हनी एंटीबैक्टीरियल रहती है और इस ये एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी है। आपके चेहरे पे अगर एक्ने वगैरह है तो इससे सब रिमूव हो जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने हनी डाला है। डालूंगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी हम 1 टीस्पून लेंगे। ये एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी एजिंग आपके चेहरे पे जो भी रिंकल्स वगैरह आते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। कर्ड, इसमें कैल्शियम रहता है, विटामिन डी रहता है और ये इसमें गुड बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये भी मैं डालूंगी 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप अल्टरनेट यूज करते हैं कर सकते हैं, कभी वो जो पहला वाला फेस पैक और कभी ये। विंटर्स में ये फेस पैक जरूर यूज करें, आपका चेहरा स्मूथ सपल रहेगा, सॉफ्ट रहेगा।